सारी सतगुरु करेंगे तेरी सहाय, सतगुरु करेंगे तेरी सहाय। राधा स्वामी साच है रखवारे, राधा स्वामी साचे है रखवारे, रहे तू उनके चरण सहारे, रहे तू उनके चरण सहारे। सुन यह साची बात को प्यारे, सुन यह साची बात को प्यारे, अपना मन समझाए, अपना मन समझाए। चिंता चित दे तज दे सारी, सतगुरु करेंगे तेरी सहाय, सतगुरु करेंगे तेरी सहाय। राधे स्वामी, आज विजयदशमी है, दशहरा मना रहे हैं, सारा भारत दशहरा मना रहा है। असलियत क्या है किसी को भी कुछ पता नहीं। ये दशहरा रामचरितमानस के आधार पर मनाया जाता है। रामचरितमानस एक मनुष्य की कथा है, एक राजा की कथा है। हमने उसी को ही अडॉप्ट कर लिया और उसके गुण अवगुण नहीं देखे। और कहा जाता है कि जो रावण था उसके 10 सिर थे। मैं तो आज विज्ञान का युग है, कलयुग के हम लोग रहने वाले हैं और सत्संग में बैठकर विवेक प्राप्त किया बाबा फकीर जी के संगत में, तो मन नहीं मानता कि उसके 10 सिर होंगे, कभी नहीं हो सकते। मैं तो यहाँ तक भी कहने को तैयार हूँ कि ब्रह्मा के भी 4 सिर दिखाए गए हैं, वो भी गलत है। हमें धर्म के ठेकेदारों ने ऐसा अंधकार में डाल दिया कि हमें सोचने के लिए मौका ही नहीं दिया कि हम सोचें कि असलियत क्या है। ब्रह्मा कहते हैं प्रकाश को, प्रकाश के चारों तरफ जिधर को देखो प्रकाश ही प्रकाश है, लेकिन उसके ब्रह्मा के 4 सिर बना दिए कि इधर भी देखते हैं, इधर भी देखते हैं, इधर भी देखते हैं, इधर भी देखते हैं। सूर्य तो चारों तरफ है आपके, तो कैसे बना दिया? और रावण का बना दिया कि 10 सिर थे। अरे कहाँ 10 सिर थे, पढ़ो दशहरे की लाइन पढ़ो तुम पहले। निकाला है दशहरा 10 को मारकर फिर दिवाली आ गई। तो मैं थोड़ी सी लाइनों में समझाने की कोशिश करूँगा। हम लकीर के फकीर नहीं हैं, हम फकीर के फकीर हैं। क्या कहा मैंने? मैं लकीर का फकीर नहीं हूँ, मैं फकीर का फकीर हूँ। और असलियत तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ कि ये लिखा क्या है, सुनो। दशहरा 10 को हरा जब फिर दिवाली आ गई। अब कहते हैं पहले दशहरा मनाया जाता है, 20 दिन के बाद फिर दिवाली मनाई जाती है कि राम जी युद्ध जीत के 20 दिन के बाद आए तो घी के दिए जलाए गए। हो सकता है, मैं इसको गलत नहीं कहता। 10 क्या है? रावण एक इतना बड़ा साइंटिस्ट था, इतना बड़ा विद्वान था, वेदों का ज्ञाता था, शास्त्रों का ज्ञाता था, तंत्र का ज्ञाता था, मंत्र का ज्ञाता था, और उस जैसा दुनिया में कोई उस वक्त विद्वान नहीं था। और शायद आपको ये भी पता होगा कि जब कहते राम जी ने वो पुल बनाना था, समुद्र के ऊपर पुल बनाना था, तो उसके लिए हवन करना पड़ा, हवन करना पड़ा समुद्र को खुश करने के लिए। तो उसके लिए पंडित कौन बुलाया गया? रावण आया पंडित बनकर, रावण को बुलाया गया। क्या कोई शत्रुता थी उनमें? बिल्कुल नहीं थी। इतना विद्वान राम के पंडितों ने रावण को बुलाया कि जब तक आप आकर मंत्रों का आचरण नहीं करेंगे हमारा यज्ञ पूरा नहीं होगा। कितना बड़ा महान। उसने
दस इंद्रियों को जीता हुआ था, पांच कर्म इंद्रियों को जीता हुआ था, पांच ज्ञान इंद्रियों पर भी उसका अधिकार था। यही नहीं, मैं तो और कहने को तैयार हूँ कि उसने पृथ्वी तत्व को भी अपने कंट्रोल में किया हुआ था, जल तत्व को भी अपने कंट्रोल में किया हुआ था, अग्नि तत्व को भी अपने कंट्रोल में किया हुआ था, वायु तत्व को भी अपने कंट्रोल किया हुआ था और आकाश की वाणी को भी उसने अपने कंट्रोल में किया हुआ था। इसलिए वो कोई भी काम कर सकता था, वो जमीन के अंदर उतर सकता था, जल की गहराई में जा सकता था, जल को पार कर सकता था। जब वो आया, जब वो हवन करने आया तो समुद्र के ऊपर से आया, वो समुद्र के ऊपर से आया, उड़कर थोड़ी आ गया, क्या कहा मैंने। तो ये एक विज्ञान है जिसका हमें पता नहीं बताया गया। हम हर साल बुराई को जलाते हैं, कहते हैं आज सच्चाई ने बुराई को ख़त्म कर दिया, और हर साल ना जाने कितने रावण और पैदा हो रहे हैं मेरे देश में। राम तो कोई इतना पैदा हुआ ही नहीं है, राम नहीं है। इसलिए किस कवि ने कहा, घर घर में तो रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। घर घर में तो रावण है, राम कहाँ से लाए जाएंगे इतने ज़्यादा। तो ये बातें जो जितनी भी हैं, हो सकता है सत्य हो, मैं नहीं कहता, लेकिन मेरा मन नहीं मानता इस बात को कि उसके दस सिर होंगे। उसने दसों इंद्रियों पर अपना नियंत्रण किया हुआ था, और जिसने नियंत्रण कर लिया, जिसने मूलाधार के ऊपर नियंत्रण कर लिया, वो पृथ्वी की गहराई में जा सकता है। जिसने जल तत्व को कंट्रोल कर लिया, वो जल के अंदर भी जा सकता है, बाहर भी जा सकता है। जिसने वायु को कंट्रोल कर लिया, वो हवा में उड़ भी सकता है, क्या कहा मैंने। ये बातें सत्य हैं। ये सारे का सारा वर्णन कबीर साहब ने पहले चक्कर से लेकर, मूलाधार से लेकर बारहवें चक्कर तक सारा वर्णन किया है। वो शब्द जो उन्होंने लिखा, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, उसको पढ़कर देख लो, उन्होंने सभी 12 के 12 केंद्रों का वर्णन किया है। कौन सा वर्ण, कौन से चक्कर पर तुम अपना अभ्यास करोगे, किस शब्द के उच्चारण के साथ आप वर्ण करोगे, तुम्हारे कंट्रोल में वो आ जाएगा। लेकिन संतों ने उन 6 के 6 को छोड़ दिया और 7वें के स्थान पर हमें लाकर बैठा दिया। कलयुग में सभी नीचे से नहीं चला जाता है। महाराज जी ने तो जहाँ तक कह दिया कि आने वाले समय में संत जो होंगे वो सोहंग से नाम शुरू किया करेंगे। सोहंग मतलब 11वें चक्कर से शुरू किया करेंगे। तो अब तो रहने पर तो फिर मैं कुछ और सुनाना चाहता हूँ। दशहरा दस को हरा जब फिर दिवाली आ गई। क्या मतलब इसका, इसका मतलब क्या, जिस इंसान ने दसों इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया, उसके अंदर प्रकाश का आना लाजमी है। संत दिवाली नित करे सतलोक के माहे, तो उसके अंदर प्रकाश आएगा। जिसने एक भी कंट्रोल नहीं किया तो वो कैसे सोच सकता है, वो नहीं सोच सकता। तो इसलिए ये हमारा रावण, ही वॉज ए ग्रेट मैन। और दिल्ली के पास एक कभी भी गांव है, वो दशहरा नहीं मनाते, वो दिवाली भी नहीं मनाते, क्यों, वो अपने आप को रावण के वंशज समझते हैं कि हम रावण के वंशज हैं, हमारे रावण को जलाया जाता है, ये गलत बात है। बात मेरी समझ गए, बात को समझो, किताबी कीड़े मत बनो। पता कितनी रामायण हिंदुस्तान में, पता नहीं कितनी रामायण हैं, दो रामायण, तीन रामायण को तो विचार तो मैं जानता हूँ। एक रामायण लिखी, घट की रामायण लिखी तुलसी साहब जी महाराज ने, जिसकी 2 किताबें मेरे पास है, घट की रामायण, हमारे अंदर ही रामायण है सारी की सारी। दूसरी रामायण है हमारे वाल्मीकि जी महाराज की, ऋषि वाल्मीकि जी महाराज, उसको कोई नहीं पढ़ता। उसमें इतना बड़ा गहरा ज्ञान है कि उसको पढ़ने के लिए लोग सोचते हैं कि अगर हमने ये पढ़ी तो हमारी तो रोटी मारी जाएगी, क्योंकि उसमें ज्योतिष भी है, उसमें अंतरिक्ष का ज्ञान भी है, उसमें जीवन के सारे जितने भी हमारे केंद्र हैं उनका ज्ञान भी है। उनको कोई नहीं पढ़ सकता, उनको नहीं पढ़ते।
तीसरी रामायण हमारी ये है जो जो अकबर के समय में लिखी हमारे तुलसी साहब जी महाराज ने। महाराज जी ने बताया परमदयाल जी महाराज ने तुलसीदास ने लिखा चित्रकूट के घाट पर तुलसी क्या चंदन घसे रघुवीर चित्रकूट के स्थान पर को होगा चित्रकूट जगह मैं तो उसको मानता नहीं मेरा चित्रकूट अंदर है जहाँ तुम्हारे अंदर चित्र पैदा होते हैं वो चित्रकूट है क्या कहा मैंने पर इस बात को कौन सुनेगा वहीं दौड़े हुए चित्रकूट बोले यह है यहाँ तुम्हारे अंदर फिल्म बनती है वो चित्रकूट है तुलसी दास के चंदन घसे तिलक देख रही जब वो बीमार पड़ गए महाराज परमदयाल जी महाराज कहा इतने ज़्यादा बीमार हुए तो उनके शिष्य कहते थे महाराज राम जी को बुलाओ आपके तो तिलक लगाते थे कहते कोई राम नहीं आता कोई राम नहीं आता तुम्हें अपने कर्म का फल खुद ही भोगना पड़ेगा क्या कहा मैंने इसलिए मैं ज़्यादा नहीं आपको एक नया शब्द सुनाता हूँ इसको बंद करो मैं थोड़ी सी बात कह दी आपको दुनिया के पीछे मत लगो तुम्हारे अंदर है सब कुछ ऐ इंसान तेरे अपने अंदर राम है तेरे अपने अंदर ही रावण है तुम जब यहाँ से नीचे आ जाते हो नौ द्वारों में तुम रावण हो और जब तुम यहाँ से ऊपर चले जाते हो तुम राम हो क्या कहा मैंने बात को समझने की कोशिश करो पाठ दो में एक शब्द निकालो 16 पेज पर है सागर दो 16 पेज पर एक शब्द निकालो मुझे तो बाबा फकीर जी ने एक ही हुक्म दिया दो हुक्म दिए वो मैं अभी बता दूंगा उन्होंने मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया मेरी जिंदगी को बदल रख दिया ये जितना पुराना लिखा हुआ है वो सब मटिया मेट हो गया और प्रेजेंट में आ गया निकला शब्द मन से हो जा न्यारा साधो मन से हो जा न्यारा है पढ़ो अब सुनना जे शब्द को ध्यान से सुनना मन से हो जा न्यारा साधो मन से हो जा न्यारा हम जितने प्राणी हैं जितने भी प्राणी हम हैं हम 100% अपने मन के अधीन जीवन को गुजार रहे हैं क्या कहा मैंने कोई संत होगा मैंने परमदयाल जी महाराज को देखा बाकी तो मैंने किसी को नहीं देखा उनके पास बैठकर देखा उनको शाम को देखा उनको सुबह देखा उनको नहलाते समय देखा उनको खाना खिलाते समय देखा वो मन में नहीं रहते थे वो अपने आप में रहते थे मन से न्यारे होकर रहते थे और कभी आते थे कहते थे मैं मजबूर हूँ मुझे सत्संग देने का जो मेरे गले फांसी पड़ गई है क्या कहा कहते थे ना खुद कहते थे कि मुझे मजबूर होकर नीचे आना पड़ता है क्योंकि मन के लेवल पर सत्संग होता है उस लेवल पर सत्संग नहीं वह तो बोलना ही नहीं जा सकता तो संत कहते हैं दाता दयाल कहते हैं मन से हो जा न्यारा मन से अलग होकर देख तू कौन है कैसे समझोगे आगे सुना रहा पढ़ो मन से हो जा न्यारा साधो मन से हो जा न्यारा मन से बीज से अंकुर मन से बीज से अंकुर अंकुर फूले पूरा ध्यान से सुनना तुम्हारे मन के अंदर ख्याल पैदा होता है वो बीज रूप है तुम्हारे मन के अंदर ख्याल पैदा होता है वो बीज रूप है तुम उस ख्याल को पानी देते हो तो वो अंकुर फूट जाता है फिर वो दरख्त बन जाता है फिर उसके फल भी तुम्हें खाने पड़ेंगे और तुम्हें साया भी तुम्हें लेना पड़ेगा मुझे अपने जीवन की बात याद आती है 1969 की बात है
मैंने हजूर के पास, हम दोनों थे, मैंने हजूर के पास सवाल किया, पिताजी मेरे मन में कभी कभी ऐसा ख्याल आ जाता है जिससे मैं दुखी हो जाता हूँ। अंकुर आ गया ना अंदर, अंदर में कोई बीज पैदा हो गया ना, कोई ख्याल आया, देखकर ख्याल आ गया, सुनकर ख्याल आ गया, खाकर ख्याल आ गया, पढ़कर ख्याल आ, ख्याल तो पैदा होगा ना। तो ख्याल का पैदा होना ही हमारी जिंदगी का कर्म बनता है। तो मैंने कह दिया ये बात के पिताजी, मेरे मन में कई दफ़ा ऐसा ख्याल आता है जिससे मैं दुखी हो जाता हूँ। तो पिताजी ने मुझे कहा बड़े प्रेम से, बेटा तू तो नौजवान है, 1969 की बात है, मैं बूढ़ा हो गया, मुझे भी ऐसे ख्याल आ जाते हैं। जब उन्होंने कहा तो मैं थोड़ा सा महसूस किया कि महाराज को भी ख्याल आते हैं, इतने साल तो हो गए। फिर उन्होंने कहा कि तू बड़ा भाग्यशाली है, तुम्हें याद तो आ जाता है कि ये ख्याल अच्छा नहीं है, अगर तू इसी ख्याल को लेकर बैठ जाएगा तो कर्म पूरा कर जाएगा। क्या कहा मैंने, वो बूटा पर जाएगा, वो बूटा फैल जाएगा, वो अंकुर फूलेगा और तुम उसी कर्म को कर बैठोगे, करके देख लो, जो बार ख्याल बार बार तुम्हें ख्याल आएगा तुम उस कर्म को करने के लिए विवश हो जाओगे। इसलिए विवेक आ गया कि अगर कोई ख्याल ऐसा आ जाए तो उसको काट देना, पानी नहीं देना। क्या कहा मैंने, उसको पानी नहीं देना। ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई और आज तक मेरे जीवन में इसको, ये मेरे जीवन का आधार बन गया। क्या कि बीज पैदा होगा, ये हो नहीं सकता कि मन में ख्याल पैदा ना हो। वक्त के मुताबिक, समय के मुताबिक, हालात के मुताबिक तुम्हारे ऊपर असर होना लाजमी है। शर्मा जी क्या कह रहा हूँ, तुम बच नहीं सकते, जिस हालात में तुम होगे उसका असर तुम्हारे ऊपर आएगा, कोई नहीं बच सकता। लेकिन उस विवेक से जागना है कि ये ख्याल मेरे लिए अच्छा नहीं है। क्या कहा मैंने, फिर पढ़ो यही ना। मन से बीज, बीज से अंकुर, अंकुर फूले फूला, फूल से फल, फल मीठा लागा, फूल से फल, फल मीठा लागा, मीठे मीठे प्रतिकूला। फिर क्या हो गया, अगर फल वाला दृक्ष लग गया तुम्हें कुछ खुशी देने लग गया, कुछ तुम्हें आनंद देने लग गया, तुम उसी में ही भूल जाओगे दुनिया को, तुम अपना कर्तव्य भूल जाओगे। क्या कहा मैंने, तुम अपना कर्तव्य ही भूल जाओगे कि मैं जहाँ आया किस लिए हूँ। जैसे किसी शादी में गए, मिसाल देता हूँ, शादी में बड़े अच्छे मसालेदार सब्जियाँ बनी हुई हैं, तो ये भी स्वाद है, ये भी स्वाद है, ये भी स्वाद है, सारी चीज़ें प्लेट से पा ली हैं ना, स्वाद स्वाद सारी प्लेट से पा ली हैं। जिन्हें खा लिया तो फिर सुबह क्या हाल होगा, तुम्हारा बीमार होना लाजमी है, क्योंकि तुमने ऐसी चीज़ें मिलकर खिलाई हैं जो तुम्हारे शरीर के लिए सुविधाजनक नहीं है। वो सारी की सारी चीज़ें कच्ची खानी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, लेकिन हम तो पड़ जाते हैं उसके ऊपर। और तीसरी बात ये है कि खड़े होकर खाना इंसान का काम नहीं है, हम सब पशु बन गए, हम सब पशु बन गए, बस दौड़ते हैं एकदम, पहले वो लगे होते हैं, पहले अस्पताल लगे होते हैं, पहले तो वो खाओ जी, पता नहीं क्या क्या बना होता है, फिर रोटी दौड़ो जी, फिर वो भी नहीं छटना, कुछ भी नहीं छटना, तो मीठे लग गए ना तुम तो पहले, बाद में क्या होगा तुम खुद सोच लो क्या होता है। मैंने क्या कहा आपको, बात को पकड़ो, तुम जिम्मेदार हो अपने जीवन की रक्षा के लिए। तुम पूर्व अशोक ने एक शब्द गाया कि हम इंसान दया करो दाता, हम इंसान बन के जिए, उसने तो हमें इंसान पैदा किया, और शास्त्र कहते हैं पूर्ण पूर्ण मदय, पूर्ण किया हमें पूर्ण। हमारे अंदर पांच कर्म इंद्रियां हैं, पांच ज्ञान इंद्रियां हैं,
मन है, चित्त है, बुद्ध है, अहंकार, 14 कला संपूर्ण तुम बने हुए हो। कमी क्या है? दो चीजों की कमी है। तुम 16 कला संपूर्ण हो जाओगे, तुम्हें तो तुम कंप्लीट हो। सिर्फ क्या नहीं आपके अंदर है लेकिन तुम्हें पता नहीं है, वो है प्रकाश और शब्द। जब वो भी तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगा, तुम 16 कला संपूर्ण हो जाओगे, तुम दुनिया से ऊपर हो जाओगे। तुम्हें दुनिया क्या, दुनिया को लात मार दोगे आप, मैं आपको, तुम शहंशाहों के शहंशाह बन जाते हो। संत कभी किसी की परवाह करते हैं? जो परवाह करते हैं वो संत नहीं बने, वो डेरे में फंसे हुए हैं। क्या कहा मैंने? इसलिए बात को समझो, अपने इस युग की बात मैं कर रहा हूँ। दादा दयाल जी ने 200 साल पहले लिख दिया, मैं आज की बात करता हूँ। जो बाबा फकीर जी ने मुझे दी है, मैं वो बात करता हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम्हें फल लगेगा, तुम्हारे अंदर बीज पैदा होगा, लेकिन उस बीज को पहले ही दबा दो, वो बात बाहर ना आए, वो ख्याल खत्म कर दो। कैसे करोगे? गुरु को याद करो। तब किसको याद करो? गुरु को याद करो। गुरु की बात याद आ जाए, मुझे याद आ जाते एकदम, ओ बाबा जी ने कहा था पानी नहीं देना इसको, चल वो सूख जाता है। क्या कहा मैंने? बाबा जी मेरे साथ है ना हर वक्त, मुझे याद अच्छी आ जाती, वो सीन एकदम याद आ जाता है कि एक कुट पजा कुटेरा बच्चा, उस पौधे को पानी नहीं देना। लो बात खत्म हो गई। क्या कहा शर्मा जी मैंने? और गुरु तो हर बस हमारे साथ है, हम किसको प्रार्थना करें, कहाँ करें प्रार्थना? कहीं नहीं प्रार्थना करनी है। और हजूर ने तो जहाँ तक कह दिया कि ऐ इंसान, तुम्हें जब भी कोई जिंदगी की प्रॉब्लम आए, अपने कमरे में चले जाओ और वहाँ सच्चे दिल से उसको पुकार करो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। जहाँ तक उन्होंने कह दिया, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने कमरे में जाओ, वहाँ बैठ कर आँख बंद करो, अपने गुरु को याद करके प्रार्थना कर दो, तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। कहाँ भागे फिरते हो, किस रावण को जला रहे हो? अपने अंदर के रावण को जला लो। क्या कहा मैंने? इसको संभाल लो, इसको नीचे मत जाने दो, इसको जरा ऊपर का नज़ारा दिखा दो, ये तुम समझ जाओगे कि जिंदगी है क्या। आगे बढ़ो। मन ब्रह्मा मन विष्णु महेशा, मन ब्रह्मा मन विष्णु महेशा, मन माया का रूपा। कितनी ऊंची बात कह दी दाता दयाल जी महाराज ने। तुम कहाँ ब्रह्मा को देख रहे हो, तुम कहाँ विष्णु की रूप। मैंने पिछले सत्संग में आपको बता दिया था कि हमारे शरीर में ब्रह्मा कहाँ है, विष्णु कहाँ है, शिव कहाँ है। आज सूक्ष्म रूप में भी तुम्हें बताने लगा हूँ। सूक्ष्म रूप में ब्रह्मा क्या करता है? पैदा करता है। तुम्हारे मन के अंदर ख्याल पैदा होता है, जब मन ख्याल पैदा करता है तो वो ब्रह्मा है। पकड़ो बात को, जब मन के अंदर ख्याल पैदा होता है तो मन ब्रह्मा का रूप है, और उस ख्याल से जो संसार पैदा होता है तुम्हारा, तुम उसको भोगते हो, तुम्हारा मन भोगता है, तो उस वक्त वो विष्णु है। क्या कहा मैंने? अशोक समझ रहा है, तुम्हारा ही मन ब्रह्मा है जो ख्याल को पैदा करके नई दुनिया बनाता है, और तुम उस दुनिया को भोगते हो, सुख भी दुख भी, और फिर उस ख्याल को तुम ही छोड़ देते हो। तुम्हारा ही मन तसल्ली करके बैठ जाता है, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखता। क्या कहा मैंने? तो तुम्हारा ही मन सब कुछ है, कहाँ ढूंढते हो? संतों की वाणी बोल रहा हूँ, तुम्हारा मन ब्रह्मा है, तुम्हारा मन विष्णु है, तुम्हारा मन ही शिव है, और तुम्हारा मन ही माया का उत्पत्ति करने वाला है। माया क्या है? धन भी तो तुम मन बुद्धि से पैदा करते हो ना, पैसा भी कमाया जाता है तो मन बुद्धि से कमाया जाता है, वैसे तो पैसा नहीं कमाया जाता,
एक मन बुद्धि आदमी को कहो कि तुम ये काम करो, वह पैसा कमाएगा, वो तो कमाया हुआ भी बर्बाद कर देगा। दुनिया में भी मन और बुद्धि के साथ हम जितनी चाहे तरक्की कर सकते हैं, करो। इसलिए हमारे सतगुरु कहते थे, ब्राह्मणों बढ़ो, धन से बढ़ो, अकल से बढ़ो, अमीर बनो, यही तो कहते थे वो, और क्या कहते थे। तो हमारा मन ही माया पैदा करता है, ख्याल पैदा करता है, कल्पना पैदा करता है, आशा पैदा करता है, निराशा पैदा करता है, दुख पैदा करता है, सुख पैदा करता है। कौन करता है? तुम्हारा मन है। तुम्हारा मन ही किसी को मित्र बनाता है, तुम्हारा मन ही किसी को शत्रु बनाता है। तुम्हारा मन ही नेक बनता है, तुम्हारा मन ही बद बनता है। क्या कहा मैंने? तो क्या हुआ फिर, हम किसके अधीन हैं? हम किसके अधीन हैं? मन के अधीन हैं। मन को समझो। जिसने अपने मन को समझ लिया, वो सारी विद्या को प्राप्त कर लेगा। वो मन से न्यारा हो जाएगा, उसको पता लग जाएगा कि ये मन है मेरा, मैं तेरे कहने नहीं लगता, बस बहुत कर लिया तेरा नाच, मैंने नाच लिया, अब नहीं नाचता मैं तेरे कहने पर। अब बाबा फकीर ने दे दिया डंडा, अब अपने हाथ में डंडा रखता हूँ, तुम्हें काबू में नहीं आऊँगा मैं। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। मन ब्रह्मा मन विष्णु महेशा, मन माया का रूप। मन माया का रूप है, तुम ही इसके पीछे भागे हुए, सुबह से लेकर शाम तक इसके पीछे भागे हुए। कभी अपनी बुद्धि का, अपनी चेतनता का कभी प्रयोग नहीं करते, ये ठीक है या ठीक नहीं है इसका प्रयोग नहीं करते, ना खाने में, ना देखने में, ना बोलने में, ना सुनने में, ना पढ़ने में, कभी ख्याल ही नहीं करते क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए। यही तो पांच कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां तुम्हारी। ज्ञान इंद्रियां का अगर तुम्हें ज्ञान हो गया, तो पांच कर्म इंद्रियां कभी बुरा कर्म नहीं करेगी, आपको बता देता हूँ। यही है पांच कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, जो तुम्हारे से बुरा कर्म करवाती है। आँख ही जब इसमें गैरत आ जाती है, बाबा फकीर ने तो क्लियर कहा, एक ही आँख है हमारी, इसी आँख से माँ को देखते हैं, इसी आँख से हम अपनी बहन को देखते हैं, इसी आँख से अपनी बेटी को देखते हैं, इसी आँख से अपनी पत्नी को देखते हैं, और इसी आँख से किसी और औरत को देखते हैं। फिर तुम्हारा क्या हाल होता है, जरा अपने आप को देख ले, पूछ लो क्या हाल होता है। मन ही बिगड़ गया ना, मन ने खराब किया ना देखकर। तो दुनिया में देखना क्या है, क्या है? मिट्टी के बर्तन हैं हम सभी, माटी एक, अनेक भांति से साजी सजन हारे, कुछ भी नहीं है देखने में, सब कुछ है, कुछ भी नहीं है। क्या कहा मैंने? ये उसका खेल है, उसके खेल का आनंद लिया करो। क्यों फंसते हो तुम इस मन के कहने के ऊपर? क्यों तुम किसी को बुरा देखते हो, जब बुरा सुनते हो, जब बुरा कहते हो? तुम्हारा ही नुकसान है भाई, किसी का नुकसान होने वाला नहीं है। पहले तुम दिया सलाई, पहले खुद जलती है फिर ज्योति जलाती है, ऐसे ही है ना? ऐसे ही तुम पहले खुद जलते हो फिर दूसरों को जलाते हो। अगर जलाना ही है तो अंदर जला दो, बाहर से क्यों जला रहे हो? हो सकता है किसी की ज्योति अंदर की जला दो तो तुम्हारा भला हो जाएगा। बाहर से लोगों को बुरे शब्द बोलकर क्यों उसको तंग करना, क्यों जलाना, क्यों क्रोध में आना? क्या कहा मैंने? आगे बोलो। जो कोई मन के बंद बनाने, जो कोई मन के बंद बनाने, सो बूढ़े भौकूपा। हाँ, कहते हैं दाता, तो हमारे फिर दाता दयाल जी मारे कहते, जो मन के बंधन में आ गया वो गहरे कुएं में गिरता है। खुद ही सोचो, हम गिरते हैं कि नहीं गिरते, हम डूबते हैं कि नहीं डूबते, हम छोटी छोटी बातों के ऊपर कुछ से कुछ अपने आप को समझने लग जाते हैं। हमने कभी उस ज्ञान को ही नहीं लिया जो गुरु ने हमें दिया,
हमने कभी उस ज्ञान के ऊपर प्रचार नहीं किया या सोचा नहीं जो कि सतगुरु बाबा फकीर ने बताया हमें क्या है क्या नहीं है। फिर पढ़ो यही ज्ञान, जो कोई मन के बंद बधारे सो बुरे भव कूपा। भव का कूप क्या है? बुरे ख्यालों का कूप, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, शत्रुता, वैर, विरोध, ये सारा कुआं है और कुछ भी नहीं है। तो जब के संतों ने कहा जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, और मैं तो अफसोस ना कहना पैंदा, कल परसों मैंने बच्चे ने दिखाया दादा जी देखो सरदार गुरुद्वारे च लड़ रहे तलवारा कटी हैं। बोले बाबा बजे बताइए तो कहाँ का ये, कहाँ गुरबाणी, कहाँ गुरबाणी की हाजिरी में हम लड़ते हैं, क्या सीखा हमने गुरुओं के देश का पालन नहीं करते। ये मेरा देश, मेरा पंजाब, ये मेरा देश संतों का देश है, ऋषियों का देश है, गुरुओं का देश है, लेकिन हमने एक भी बात को नहीं समझा, एक भी बात को हमने नहीं ग्रहण किया, बस अपने मन के पीछे लगे हुए हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने मार लिया हमको, जबकि मैं जहाँ जब तक मैं है तो तब तक वो तू नहीं है, वो नहीं मिलेगा, मैं करता जग मुआ। कबीर साहब ने तो जहाँ कर कह दिया बकरी मैं करती है और क्या खाती है, वो हर पौधे का सिर खाती है और फिर गला कटाती है अपना, क्या कहा, तो जो बकरी खाते हैं उनका क्या हाल होगा। सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। आगे पढ़ो, देखे अनदेखे को देखे, हाँ, देखे अनदेखे को देखे, लेख अलेख बिचारा। ये कहते हैं दादा दयाल जी, वो भी देखता जो देखा नहीं कभी। मन इतना ताकतवर है कि एक तो तुम देखते ही हो और कई जगह ऐसी चीज भी तुम देखते हो जो देखी नहीं कभी, उस पर भी अपना मन मारते रहते हो। हाँ ये है, ऐसे करूँगा मैं जब जाऊँगा तो वहाँ ये करूँगा मैं, बनाते हो ना स्कीमें अपनी, तो देखे अनदेखे को देखे, और क्या कहते हैं, देखे अनदेखे को देखे, लेखे अलेखे बिचारा। अलग, अब मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको, स्वप्न में कौन काम करता है? आपका जो स्वप्न है उसकी आपको शुद्ध होती है? आपको कोई पता है कि तुम स्वप्न देख रहे हो? तुम तो उसमें एंजॉय करते हो, खाते भी हो, पीते भी हो, शादियों भी करते हो, ये भी कर, क्या नहीं करते सपने में तुम लोग? वो कौन है? मन। तुम्हारा मन शरीर के अंदर बैठा हुआ हर तरह का खेल खेलने का मौका रखता है, इसमें ताकत है। कभी आप सोचो कि कभी आपको गुरु का कभी रूप आया नहीं, आया होगा, क्या कहा मैं जब महाराज जी के चरणों में आता था, जो कोई 20-30 साल समझ लो, 30 साल में कोई रात नहीं ऐसी होती थी जब मुझे महाराज जी का स्वप्न ना आए, क्योंकि मैं उनको इंसान समझता था, इंसान ही आता है सपने में, भगवान नहीं आता। और जब मुझे विश्वास हो गया कि बाबा फकीर तू तो आया नरदेही में दर फिर की कवेशा, ये तो वो ही आया हुआ है और मेरे लिए आया है, साबित कर दिया उन्होंने मेरे पास आकर, इस चीज़ को साबित कर दिया कि बच्चा मैं तेरे लिए आया हूँ, तो मेरी आँख खुल गई। उसके बाद मेरे स्वप्न में कभी नहीं आए, कभी कभी हो गया, कभी आ गए हों तो आ गए हों, लेकिन बाबा फकीर कभी मेरे सपने में नहीं आए, क्योंकि मुझे पता लग गया कि वो परम तत्व हैं। परम तत्व मन के अधीन में कैसे आएगा? परम तत्व तो केवल किसको मिलेगा? मेरी सुरत को मिलेगा, मेरे मन को नहीं मिलेगा, और वो मन से बहुत आगे है। जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तो वहाँ मिलेंगे मेरे फकीर बाबा, और वो भी किस रूप में? प्रकाश और शब्द के रूप में, क्या कहा मैंने।
मेरी बात को पकड़ो, मैं क्या कह रहा हूँ, आगे पढ़ो। देखे अनदेखे को देखे, लेखे अलेखे बिचारा, जिए मरे मर मर के जीवन, जिए मरे मर मर के जीवन, आवागमन मझारा। अब बहुत ऊंची बात आता जा लिखे, मरने के बाद हमें जन्म देने वाला दोबारा कौन है? वो है हमारा मन, हमारी अटैचमेंट। हमारे मन की कहीं ना कहीं लगाव होता है, हमारे मन में कोई ना कोई आशा रह गई है, हमारे मन में कोई ना कोई कल्पना है कि मैं हाय ये कर लेता, मैं हाय ये कर लेता, मैं हाय ये कर लेता, तो हम इस पृथ्वी तत्व से बाहर नहीं जा सकते। इसलिए दाता दयाल कहते हैं, यही मरता नहीं है, जब तक ये नहीं मरेगा हमें निर्वाण प्राप्त नहीं होगा। जब हम मन से बिल्कुल थक जाएंगे, जब हमारे मन में दुनिया से बिल्कुल विराग पैदा हो जाएगा, जब हमारे मन में कोई आशा नहीं। बाबा जी ने तभी तो कहा कि ये जो लोग कहते हैं कि गुरु लेने आ गया, सब झूठ है, मैं कहीं नहीं जाता, मैं तो अपने घर में बैठा हूँ। कौन जाता है? उनका अपना मन है, वो आवागमन से नहीं बचेंगे, उनको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए वो लोग कहा करते थे, जो मेरी पूजा करेगा, फकीर चंद बल्द पंडित मस्तराम ठाणा रेलवे मंडी, उनका आवागमन नहीं जाएगा। जो मानवता मंदिर से जुड़े रहेंगे, अंत समय वो भी पार नहीं होंगे। जो डेरे से जुड़े रहेंगे, अपनी जायदाद से जुड़े रहेंगे, घर वालों से जुड़े रहेंगे, वो भी पार नहीं जाएंगे। हमें जोड़ने वाला कौन है? मन। इसलिए कहा संतों ने, मरने से पहले ही मर जाओ, मन तू थकत थकत थक जा, कबीर साहब ने कहा। इसलिए संत जो होते हैं वो जीवित ही मन से मर जाते हैं, मन के पीछे नहीं चलते, मन की अटैचमेंट नहीं आते। जैसा वक्त आया, जैसी हालात हुए, उसके मुताबिक अपने जीवन को गुजारते हैं और किसी से प्रेम नहीं करते। मेरी बात समझ गया? फिर पढ़ो यही लाइन। देखे अनदेखे को देखे, लेखे अलेख बिचारा, जिए मरे मर मर फिर जीवे, आवागमन मझारा। आवागमन में रहेंगे, क्या कहा मैंने, वो आवागमन में। मैं शायद आपको बात बताई भी हुई है कि एक संत थे यहाँ, पता नहीं क्या जगह, बापू जी ने बताई थी हमें। बापू जी तब नौजवान होंगे मेरे बाबा जी, तो वो संत थे बहुत उच्च कोटि के, उनका डेरा था, मेरे नाम नहीं, मैं पूछूंगा जब गांव जाऊंगा तो पूछूंगा फिर वो कौन सी जगह है। अभी भी मेला वहाँ लगता है, पता नहीं, मैंने नाम दादी पता है, तो वहाँ बेली का वृक्ष भी है, मेला लगता है। तो संत बहुत उच्च कोटि के अभ्यासी थे, मन से ऊपर रहते थे। तो अंत समय जब लोग, आपको पता पंजाब के लोग बाहर बहुत रहते हैं, तो कहीं जाने लगे, मत्था टेकने लगे, महाराज हम जा रहे हैं विदास जा रहे हैं, अब आपका शरीर काफ़ी कमज़ोर हो गया, हमें कैसे पता चलेगा कि आपने चोला छोड़ दिया? कहते बच्चों तुम्हें घंटियाँ सुनाई देंगी, जब मैं शरीर छोड़ूंगा तुम्हें घंटियाँ सुनाई देंगी आकाश में। तो लास्ट में सब जाया आया तो उनकी जो उनका जो बेड था आराम लेटने का, वो उनके सेब को बेरी के नीचे रख दिया, क्योंकि वो बड़ी गहरी थी, गहरी है, बेरी गहरी है, उसके नीचे वो सोते थे कभी कभी। तो वहाँ सोए सोए लेटे लेटे ऊपर को देखा, आखिरी वक्त आ गया, ऊपर एक बेर लगा हुआ पीले रंग का पक्का, बड़ा मीठा। तो ख्याल आया कि खा लेता तो अच्छा था, चल प्राण निकल गए, प्राण निकल गए, मन फंस गया बेर में। कहते श्री शीर ठंडा हो गया, सेवक आए, महाराज जी तो बोलते नहीं हैं, ठंडा हो गया। भाई नहीं नहीं नहीं, अभी चोला नहीं छड़े, वो समाधि में चले गए। डॉक्टरों को बुलाया, डॉक्टरों ने कहा ये तो है नहीं है, नहीं कौन मानता,
साधारण लोग मानते नहीं हैं जल्दी से, तो चौथे दिन ये कहते कि संत आए। चौथे दिन वो आए, कहते भाई वो कहाँ हैं बाबा आपके गुरुजी? कहते महाराज वहाँ कमरे में रखा उनका बैठ, उनका दर्शन कर रहे हैं लोग, आप भी दर्शन कर लो। कहते मैं दर्शन नहीं करने आया, मैं देखने आया हूँ क्या हो गया बाबे को, क्या हो गया गुरु तुम्हारे को। कहते महाराज चार दिन हो गए पता नहीं लगता, डॉक्टर कहते है नहीं, लेकिन बाबा जी ने कहा था कि घंटियाँ बजेंगी, घंटी तो बजी नहीं। कहते अच्छा ये बताओ कि जब इन्हें चोला छोड़ा इनका बेड बिस्तर कहाँ लगा था? कहते जी बेरी के नीचे। कहते वही रखो, बेरी के नीचे रखो, वही रख दिया। तो उन्होंने चारों तरफ देखा, ऊपर देखा बेर लगा हुआ है शर्मा जी, उन्होंने बेर तोड़ लिया। बेर तोड़ के कहते हंसे, कहते बड़े हंसे उनको देखकर बेर को। वो कहते तुम्हारा बापू कितने वहाँ गया, वो तो जहाँ बेर खाने लग गया। लोगों को बड़ा गुस्सा आया कि हमारे महाराज जी को कहता बेर खा लिया, बेर में तो कैसे हो सकते हैं, तो गुस्से वाले को समझदार। कहते नहीं नहीं महाराज ऐसा नहीं। कहते अच्छा ठहरो, उन्हें ऐसे उसको तोड़ा और कीड़ा निकाल के जान रख लिया। कहते जी है तुम्हारा गुरु, घंटियाँ बच जाए, ऐसे बदल दिया, घंटियाँ बच गई। ये सच्ची कथा मैं बता रहा हूँ आपको, ये बिल्कुल सच्ची कथा है। इसलिए साइंटिस्ट ने सिद्ध कर दिया कि मरने वाले का वजन क्यों ज़्यादा होता है, मरने वाले की आत्मा जब निकलती है तो वजन क्यों कम होता है। आत्मा का तो हमारी सुरत करना, आत्मा का वजन तो है ही नहीं, क्योंकि हमारी अटैचमेंट वहाँ होती है, बच्चे के साथ, बीवी के साथ, अपनी प्रॉपर्टी के साथ, अपने धन के साथ, अपने गुरु के साथ होती है ना। इसलिए हमारा जन्म दोबारा होगा अगर हम इस दुनिया को जीते जी नहीं त्याग करते। क्या कहा मैंने, दुनिया में ऐसे रहो जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा भी निशानिए, शुद्ध शब्द भव सागर तरिए, नाम नानक नाम बखानिए। कमल का फूल गंदगी के पानी में पैदा होता है, लेकिन उसके पंख कभी नहीं पानी नहीं उनको लगता, उनको पानी नहीं लगता। ऐसे मुर्गा भी है, मुर्गा भी जानवर है, वो डुबकी लगाती है, मछली पकड़ती है, ऊपर आ जाती है और ऐसे उड़ जाती है, उसके पंखों को भी पानी नहीं लगता। कहते ऐसे जीवन गुजारो। मैं नौजवानों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बात नौजवानों के लिए नहीं कह रहा, जो 60 से ऊपर चले गए उनके लिए कह रहा हूँ कि आओ जरा अपने जीवन की आनंद ले लो, आखिरी आनंद ले लो। कौन सा? आत्मिक आनंद, रूहानियत का आनंद, मन के आनंद देख लिए, भोग लिए, बहुत कुछ देख लिया, खाना भी खाया, पहनना भी बढ़िया, सब कुछ किया, लेकिन अल्टीमेटली तो क्या होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लवास होगा। क्या कहा मैंने, वो देखना है तब कौन सा पहरावा होगा हमारा, वो कौन सा पहरावा होगा, वो पहरावा होगा हमारी अपनी सुरत का, और उसका कोई पहरावा नहीं है। वो जैसी आई वैसी वापस जाएगी। क्या क्या कहा कबीर साहब ने, जीनी जीनी रे चदरिया, सुनर ओढ़ी मैल की करके रख दी ने चदरिया, दास कबीर जतन से उड़ी ज्यों की त्यों तन री ने चदरिया। उसको मैला नहीं होने देना है, कौन सा अंतःकरण हो, अंतःकरण जो तब तुम हो वास्तव में। आगे बढ़ो, नजर में आवे अगम कहावे, नजर में आवे अगम कहावे, मन काहू नहीं देखा। अब कहते हैं किसी ने मन को देखा, बताओ भी मैंने मन को देखा, किसी ने भगवान को देखा, राम को देखा होगा क्योंकि वो मन ने बनाया, गुरु को भी देखा होगा वो भी मन ने बनाया, कृष्ण को भी देखा होगा किसी ने, वो भी राम ने बनाया,
किसी ने राधा के दर्शन कर लिए, उन्हें वो भी उसके मन ने बनाई, उसका तो रूप ही कोई नहीं, ना उस मालिक का कोई रूप है ना उस मालिक का कोई रंग है। ऐसे ही हमारे मन का भी कोई रूप नहीं है और हमारे मन का भी कोई रंग नहीं है, दोनों का मेल एक है। ये उड़ जाता है, जहाँ ये होगा वही वो होगा। क्या कहा मैंने, पढ़ो यही लाइन वाला, नजर न आवे अगम कहावे, इसकी था ही कोई नहीं है, अगम जिसकी था कोई नहीं। कहाँ तक है ये, जहाँ तक ये जाता है वहाँ तक माया है, और जहाँ ये खत्म हो गया वहाँ माया भी खत्म हो जाएगी। क्या कहा मैंने, इसलिए संतों ने कहा इस मन को जहाँ लाओ जहाँ लाओ जहाँ लाओ जहाँ लाओ, बार बार कहा, जहाँ से इसको नौ द्वारों से पार करके दसवें द्वारे ले जाओ, दसवें द्वारे से आगे इसके पंख जल जाते हैं, वहाँ से आगे नहीं जा सकता, भंवर गुफा से आगे इसकी ताकत ही नहीं है, ये खत्म हो जाएगा। सल्तल कमल से लेकर भंवर गुफा तक सारा मन है, और इस मन की दुनिया में सारी दुनिया पर कोई किसी लेवल पर जीवन गुजार रहा है, कोई किसी लेवल पर जीवन गुजार रहा है, कोई किसी लेवल पर जीवन गुजार रहा है, ये सब मन के मारे हुए हैं। इसलिए संतों ने कहा कि पांच नाम का सिमरन करने वाला वहाँ नहीं जा सकता, पांच नाम का सिमरन करने वाला आवागमन से फ्री नहीं हो सकता। भंवर गुफा पर आकर सतगुरु तुम्हारी बाजू पकड़ता है, फिर वो आपको सतलोक में ले जाता है और आगे ले जाता है, ये कहा है संतों ने, मैं उनकी बाणी कह रहा हूँ। और मेरा अनुभव भी यही कहता है कि ये पांच, तो हमारे पांच नाम की व्याख्या बिरदाता ने लिखी, बहुत प्यारी लिखी हुई है, किताब है, पढ़ के देख लो, उसमें निर्णय कर दिया कि पांच नाम आपको पार नहीं कर सकते। पांच नाम से तुम्हारी दुनिया सुखमय बन जाएगी, पांच नाम से तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी, पांच नाम से करने से तुम्हारी रिद्धि सिद्धि आ जाएगी, लेकिन तुम पार नहीं जा सकते। क्या कहा मैंने, इसलिए जो मन का खेल है जिसको किसी ने देखा नहीं है, तुम ट्राई करो अपने मन को देखने की, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि मन है क्या, कुछ भी नहीं है। मन क्या है, कुछ भी नहीं है। ये मेरे दादा ने मुझे कब बताया, जब ये कह दिया कि बच्चा मन की किताब पढ़ा कर, कोई किताब नहीं पढ़ना, जब मन की किताब पढ़ी तो किताब ही खत्म हो गई, वहाँ मन ही नहीं है तो वहाँ किताब कहाँ से आ जाएगी। क्या कहा मैंने, जब मन नहीं है वहाँ किताब भी नहीं है, मन है तो किताब है, मन है तो किताबें लिखी जाएंगी, मन है तो बुद्धि होगी बड़ा काम करेगी, जब मन नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। आगे चलो, जो कोई देखे बिचारे मन को, जो कोई देखे बिचारे मन को, सूझ पड़े तब लेखा। हाँ, अगर तुम विचार करोगे, वो कह रहे हैं दाता दया, अगर तुम मन के ऊपर विचार करोगे कि ये है क्या, तुम्हें असलियत का पता लग जाएगा कि ये है नहीं, बल्कि तुम्हें भी इसने लपेटा हुआ है, इसकी अपनी ताकत कोई नहीं है, जब तक इसके साथ सुरत नहीं होगी तब तक नहीं होगा। दाता दयाल जी महाराज ने अपने जीवनी में लिखा है कि वो स्कूल में पढ़ाते थे, दाता दयाल जी भी स्कूल में रहे, तो रास्ते में बच्चे, पहाड़ था, पत्थर गिर गया बहुत बड़ा, तो बच्चे कैसे निकले आगे, वो बथेरा जोर लगाए वो पत्थर ना हिले, तो दादा दयाल पीछे से आगे कहते, बच्चों अब बाबा जी मास्टर जी ये पत्थर हटता नहीं हमारे से, कहते अच्छा ठहरो ठहरो अपने बस्ते रख दो, बस्ते रखा के कहते मैं तुम सारे इसको हाथ लगा लो, ऐसे ऐसे हाथ लगाओ, मैं कहूँगा एक तुमने अलर्ट हो जाना, फिर मैं कहूँगा दो तुमने हाथों को मजबूत कर लेना, फिर मैं कहूँगा तीन तो तुमने सबने मिलकर धक्का देना। तो ऐसा किया उन्होंने, पत्थर हो गया। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऐसा करने से बच्चों के मन में सुरत की ताकत आ गई,
मन इकट्ठा हो गया, सुरत की सुरत में ताकत है, मन में नहीं है। मन मूर्ति नहीं बना सकता अंदर, सुरत सुरत जब तक साथ ना हो वो ताकत उसकी है। ऐसे ही मैंने आपको और बता देता हूँ मिसाल, अब तो मशीनें आ गई, ये खंभा खड़ा करने वाली, ये बिजली वाले खंभे खड़े करते हैं ना, आदमी करते थे पहले इकट्ठे, उसको रस्से बांध लेने, इधर दो आदमी खड़े हो गए तो इधर को ना गिर जाए, इधर को चार आदमी लग गए, खड्डे में डाल दिया। उनमें एक में कहना है इच्छा है इच्छा, तो क्या मतलब, छः सात आदमियों की ताकत इकट्ठी हो गई, उनकी सुरत इकट्ठी हो गई, तब खंभा खड़ा हो जाता था। मेरी बात पकड़ो क्या कह रहा हूँ, राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी। बाबा फकीर जी कहा करते थे, सिमरन ऐसे करो जैसे औरतें रजाई में नगंदा करती हैं सुबह। अब तो कोई वो भी निकली औरतें करती, उधर रेडीमेड मिल जाने रजाइयाँ, हमें पता बचपन में हमारी माँ कैसे उसको ऐसे छिया करती थी, तो सुबह ऐसे डालना फिर बाहर निकालना, फिर सुबह डालना फिर बाहर निकालना। ऐसे ही सिमरन करके देखो मन तुम्हारा कहाँ जाता है। क्या कहा मैंने, क्या कहते हैं फिर पढ़ो, जो कोई देख बिचारे मन को, विचार किससे होगा, सिमरन से, नाम से, नाम के। दुनिया की कोई ताकत मन को इकट्ठा नहीं कर सकती, केवल नाम है, नाम की नथ डाल दो इसको, ये ठहर जाएगा और तुम्हें जिंदगी में सफल होने का रास्ता बता देगा। आगे चलो, दूर से दूर निकट रहे सबके, दूर से दूर निकट रहे सबके, घेरे पास न आवे। ये कितनी दूर चल जाता है आपके पास भी है। मैं समझता हूँ जब आदमी खाने खाने लगता तब भी मन उनके पास नहीं होता, मन कहीं और होता है। सोचो जरा, हम मन से खाना नहीं खाते शर्मा जी, ख्याल कहीं और होता है, बातों में लग जाते हैं, खाने का स्वाद ही खत्म हो गया, क्यों बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं। खाना खाते समय मत बोलो, तुम पदार्थ उस मालिक का प्रसाद खा रहे हो, चुप होकर खाओ, पूरे ध्यान से खाओ, उसकी तरफ पूरा मन लगा के खाओ कि मैं मालिक का दिया हुआ भोजन पहले प्रसाद खा रहा हूँ, और खाने के बाद फिर उसका शुक्र करो, तुम्हारी जिंदगी में रौनक आ जाएगी, करके देखो जरा। लेकिन हम तो खाते भी बस खड़े खड़े हैं, पीते भी खड़े खड़े हैं और बातें भी करते हैं, फिर हमारे कहाँ के हैं, कहाँ है हमारी सभ्यता। हमारे तो कहा गया चौकड़ी मार के जमीन पर बैठ के खाना खाओ, अब कहाँ रहा चौकड़ी मार कर खाने का सिस्टम, रहा ही नहीं, खत्म होता। आगे बढ़ो, दूर से दूर निकट रहे सबके, घेरे पास न आवे, राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी, राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी, अब मन मोहि न सता। ये हुई बात, फिर जब राधा स्वामी मिल गया फिर मन नहीं सताता, उनकी बलहारी बलहारी जाऊं मैं अपने सतगुरु के, जिस भर्म किया सब दूर, चंदा चढ़िया सब दुनिया देखे मैं देखूं भ्रम दूर। भ्रम क्या है, मन, मन ही रस्सी को सांप बना देता है, मन ही सांप को रस्सी बना देता है, तुम्हारा मन ही सब कुछ, इसको समझ लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मैं दशहरे के ऊपर बोल रहा हूँ, आपको बता दिया, तुम्हारा मन ही रावण है, तुम्हारा मन ही राम है, तुम्हारा मन ही कृष्ण है, तुम्हारा मन ही राधा है, अब तुमने कहाँ जाना है, किधर जाना है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मैं तो सच्चे दिल से चाहता हूँ कि जैसे रावण ने 10 इंद्रियों का अपने कंट्रोल में किया हुआ था, अब 5 ही कर लो तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा। 10 तो बहुत दूर है,
पांच पर ही नियंत्रण कर लो, आंखों पर नियंत्रण कर लो, कानों पर नियंत्रण कर लो और अपनी जीभ पर नियंत्रण कर लो, तुम्हारा आधा काम बन जाएगा। मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना आपको, ये दशहरा मुबारक हो और आप सुखी रहो, तुम्हें तंदुरुस्ती मिले, तुम्हें अपने मन को जानने की हिम्मत मिले। इन्हीं शुभकामना के साथ आप सबको प्यार भरा राधा स्वामी राधा।